हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परखाट। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट वर्क को पैक करता हूं, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं किस अपने प्रोजेक्ट वर्क को पैक करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट वर्क है जिसकी मैंने वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा। मैं किस तरीके से इसे बनाया हूँ वो उस वीडियो में मैंने दिखाया है। इसके साथ साथ मुझे चाहिए एक ब्राउन टेप, एक कैंची, वाइट टेप और ये है वॉल स्टिकर का डब्बा। तो अगर आपके पास वॉल स्टिकर का डब्बा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी मोटे कार्डबोर्ड का इसे बना सकते हैं रोल करके। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने आर्टवर्क को आराम से धीरे से रोल करना है। आप चाहो तो इस तरीके से भी रोल कर सकते हो या इस तरीके से भी रोल कर सकते हो। मैं इस साइड से रोल करूँगा क्योंकि मेरा जो वॉल स्टिकर का डब्बा है वो बहुत ही बड़ा है और इसके साइज के मुताबिक है, तो मैं इसे ठीक से रोल कर रहा हूँ और ये मैंने इसे रोल कर लिया है। और अब मैं वाइट टेप से आराम से इसे एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये यहाँ चिपक जाए। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा टेप लगा दिया। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से पैक करके रोल करके 3 जगह मैंने पेपर टेप लगा दिया है, 1, 2 एंड 3। और अब मैं इसे वॉल स्टिकर के इस डब्बे में डालने वाला हूं जो कि दूसरे तरफ से पैक है। आराम से धीरे से इसे इसके अंदर डाल देना है और मैंने अपने आर्टवर्क को इसके अंदर डाल दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत सा है ये कार्डबोर्ड। अगर इस पर कोई ज़ोर से प्रेशर भी डालता है तो मेरे आर्टवर्क में कुछ भी खराबी नहीं आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। और अब मैं इस ब्राउन टेप से अच्छे तरीके से इसे पैक करने वाला हूँ। अब हमें इस दोनों कॉर्नर पे अच्छे तरीके से टेप लगाना है ताकि ये कभी फटे नहीं और इससे मेरा आर्टवर्क बाहर नहीं आए। मैंने अपने आर्ट वर्क को अच्छी तरीके से पैक कर लिया है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। और अब मैं यहाँ पे एक वाइट पेपर चिपका करके उस पर मैं एड्रेस वगैरह डालने वाला हूँ। अब मैं इस वाइट टेप को सबसे पहले इस पेपर पे चिपकाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने आर्ट वर्क को पैक कर सकते हैं बस 3 मिनट में। और मैंने यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पेज चिपकाया है इस पर मैं अपना एड्रेस और जहाँ मैं भेजने वाला हूँ चेन्नई,
वहां का एड्रेस डालने वाला हूं और फिर मैं इसे इस पोस्ट या कुरियर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने आर्टवर्क को सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, जिस तरीके से मैंने टैग किया है, बहुत ही सेफली आपका आर्टवर्क अपने कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले आर्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।